दोस्तों आज हम बात करेंगे पांच ऐसे फोटोग्राफी गियर्स की जो आपको 2022 में ज़रूर लेने चाहिए। अब ये जो गियर्स मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों, ये ऐसे गियर्स हैं जो आपके पूरे वर्क फ्लो को यानी कि पूरे शूट के प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाते हैं और ये इतने यूज़फुल हैं। अगर आप इन पांच छह गियर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप मान के चलिए आपका बाकी का सारा काम जो है आसानी से हो जाएगा। यहाँ वहाँ किसी भी चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद दिस फाइव गियर्स एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर फोटोग्राफी। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है एट मनीष सक्सेना फोटोग्राफी, आप यहां देख पा रहे हैं, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। यहां मैं अपना कमर्शियल वर्क जो है वो अपलोड करता रहता हूं, बिहाइंड द सीन्स वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मुझे यहां फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। अब देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब भी हम अपने फोटोग्राफी गियर्स खरीदते हैं तो हमें कई बार ये आइडिया नहीं होता कि कौन से गियर्स हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आज बात करूंगा उन्हीं गियर्स की ताकि आप उससे शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि आपकी फोटोग्राफी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपके शूटिंग प्रोसेस में, आपकी फ़ोटोग्राफी के जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि आपका जो शूटिंग करने का तरीका है, उन गियर से जो आपको हेल्प मिलती है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। अगर आपको लग रहा है इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो फिर आप जो है और भी अच्छे अच्छे गियर्स की तरफ आगे बढ़ते जाइए। बट ये जो पांच गियर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फोटोग्राफर के लिए, स्पेशली जब वो अपने करियर की शुरुआत करता है। तो यहाँ सबसे पहला जो गियर है दोस्तों, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे फोटोग्राफी स्टैंड में। अब अच्छे से मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगा लेना है, बहुत ही सस्ता आता है, 2,500-3,000 रुपये के अंदर आ जाता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप स्टैंड ले लीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होता है कि आप कहीं भी जो है स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर आपके पास में उतनी फंडिंग नहीं होती कि आप अपना खुद का स्टूडियो डालें। बट अगर आपके पास में ये फोटोग्राफी स्टैंड्स हैं तो आप किसी के भी घर में, आउटडोर लोकेशन में, जहाँ भी आपको सुविधा हो भाई, वहाँ पर आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये स्टैंड लेने के बाद आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अच्छे बैक रोल्स की, या फिर जो आप देख पाते हैं जो क्लॉथ वाले जो बैकग्राउंड्स आते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं, और वो ज़्यादा महंगे नहीं आते दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने कि पूरा शूट ही आउटडोर लोकेशन में किया था, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, और ये कुछ 850 या 1,000 रुपये का बैक रोल है यानी कि पूरा जो क्लॉथ का बैकग्राउंड है। उसके अलावा दोस्तों आप कुछ सैवेज के या सुपर स्पेक के कुछ अच्छे बैक रोल्स भी आते हैं जो कि 3,000 से 4,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाते हैं। ज़्यादातर कलर्स, कुछ कलर्स महंगे आते हैं 9x36 के, वो आप ले लीजिएगा ताकि आपको अगर उस तरह के पेपर, सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स चाहिए तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन के अंदर, और वहाँ पर कोई आपका ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ बट आपका एक अच्छा खासा मोबाइल स्टूडियो रेडी हो गया। आपको किसी के घर में जाके फोटो शूट करना है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। आपको किसी गार्डन में शूट करना है, वहाँ जाके कर सकते हैं। आपको सड़क पे करना है, आपको नेचुरल लाइट पे शूट करना है, हर जगह जो है ये दोनों चीज़ें काम आ जाएंगी। अब बात करता हूँ मैं आज के तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर की दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा टेदर केबल। अब टेदर केबल दोस्तों मैं शायद यहीं पड़ा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर का एक टेदर केबल है, हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी 2 या 3 वीडियोस। अब ये बेसिकली टेदर केबल क्या करता है कि आपके कैमरा को आपके लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर देता है, जिससे आप जो भी पिक्चर शूट कर रहे हैं वो आप लाइव स्क्रीन पर देख पाते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि आपके एक्सपोजर में क्या प्रॉब्लम है, फोकस में क्या इश्यूज़ हैं, आपके टोटल कंपोजिशन फ्रेम कैसा निकल के आ रहा है, मॉडल की पोजीशनिंग ठीक है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे आप इमेजेस को देख रहे हैं। तो अगर आपके पास में ये टेदर केबल है, अब ये भी आपको 3,000 से 4,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। कुछ केबल्स थोड़े से महंगे आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैमरा मॉडल, बट ये टेदर केबल आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके शूट के प्रोसेस को जो है वो बहुत ही आसान बनाता है। आपकी स्किल्स जो है वो तेज़ी से इंप्रूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप बड़े स्क्रीन पर देखते हो तो आप हर चीज़ देख पाते हैं, चाहे वो आपका वाइट बैलेंस हो, चाहे आपकी शार्पनेस हो इमेज के अंदर, चाहे मॉडल की पोजीशनिंग हो, चाहे आपका फ्रेम हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो हर चीज़ आप बड़े स्क्रीन पे देख पाएंगे। और अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि Lightroom या Capture One Pro, तो वहाँ पर आप करेक्शंस भी कर सकते हैं इमीडिएटली। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको 2022 के अंदर आपके लिए इमीडिएट इन्वेस्टमेंट वाली बनती हैं, यानी कि आपको इन्हें ज़रूर जल्दी से जल्दी खरीदना चाहिए। अब बात करता हूँ चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफी गियर की, वो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा साउंड बॉक्स है राउंड कलर, राउंड शेप के अंदर। इसे आप ज़रूर लीजिएगा। इसके साथ में जो आप स्टैंड देख रहे हैं वो भी जो है
कुछ मात्र मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये का स्टैंड है, थोड़ा सा हैवी है बट इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टैंड। और ये जो शॉर्ट बॉक्स आप देख पा रहे हैं राउंड वाला, ये भी कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये के अंदर आपको आ जाता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे आउटडोर लोकेशन में लेके जा सकते हैं, आप अपने फ्लैश के आगे आपने लगाया और आपने जो है बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट किया, आपने नेचुरल लाइट भी यूज़ की, आपने फ्लैश को भी यूज़ किया, दोनों को मिक्स किया, या आपको अगर सन को ओवर पार करना है तो भी जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये आपको एकदम डिफ्यूज लाइट जो है आउटडोर लोकेशन में वो आपको प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी के घर में, किसी फैक्ट्री एरिया के अंदर या किसी आप स्टूडियो जो आपने टेम्प्रेरी क्रिएट किया किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे भी आप एक तरह से स्टूडियो फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। तो ये कोई बहुत महंगे गियर्स नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, लेकिन ये जो भी गियर्स मैंने अभी आपको बताया ये आपकी फोटोग्राफी को जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और आपके जो शूटिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। इनको कैरी करना भी आसान है, इनको कहीं पर ले जाना भी आसान है और ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर आपको शायद किसी असिस्टेंट की ज़रूरत भी ना पड़े। तो यहाँ पर जो आप स्टैंड ले वो थोड़ा सा भारी ले, क्योंकि जब आप आउटडोर के अंदर इस तरह का शॉर्ट बॉक्स लगा रहे हैं अपनी लाइट के ऊपर तो कई बार जो है विंड यानी कि हवा जो है कई बार तेज़ होती है, इससे गिरने का चांसेस होता है। तो ये ध्यान रखें जो स्टैंड हो वो आपका मजबूत हो, तो या तो आप सी स्टैंड ले लीजिए या जो स्टैंड मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन के ऊपर उस तरह का स्टैंड भी काफ़ी रहता है। अब बात करते हैं पांचवें गियर की, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि अब बात करूंगा मैं कुछ दो ऐसे लेंसेज की जिसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। एक तो हो गया दोस्तों 24-70 mm और एक आपका हो गया 85 mm या फिर 70-200 mm। तो ये दो लेंसेज आपके पास होने चाहिए, इधर 24-70, 70-200 या आप ले सकते हैं भैया एक 50 mm का और एक 85 mm का अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 24-70 mm का अगर आपके पास में लेंस है तो उस पर आप मोस्टली सारे काम कर पाएंगे, चाहे आपको वाइड एंगल शॉट्स लेने हो, चाहे आपको ई कॉमर्स फोटोग्राफी करनी हो, चाहे आपको मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करने हो, चाहे आपको कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स लेने हो, चाहे आपको किसी भी तरह का काम करना हो, वो 24-70 mm पे दोस्तों आसानी से हो जाता है। 85 mm जो है वो बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है और स्पेशली अगर 1.8 का है 1.4 का है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो वहाँ पर आप बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर कर पाओगे, बोके आपको अच्छा मिलेगा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल के आएगी। और अगर आपके पास में 24-70 और 70-200 का लेंस है तो आप समझ लीजिए आप हर तरह की फोटोग्राफी, हर तरह का असाइनमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जज करना है कि आपके पास जो फोकल लेंथ है वो करीब 24 mm टू 200 mm हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर अभी आपका बजट उतना नहीं है तो भाई एक 50 mm का ले लीजिए, एक 85 mm का ले लीजिए, मोस्टली सारे काम आप इस पर कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों देखिए फोटोग्राफी में क्या होता है ना, सोचने को तो आप कुछ भी सोच लो बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारे पास अभी कितने पैसे हैं और उस पैसे के अंदर हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं। बहुत से फोटोग्राफर बिना सोचे समझे रैंडमली पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनको लगता है कि कई प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ ही नहीं किए, कई गियर्स उन्होंने महीनों तक काम ही नहीं आए। तो आप ऐसी गलती मत करिए, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हमेशा काम आएंगे दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि आपके जो लेंसेज हैं वो आपकी फ़ोटोज़ को बनाते हैं, तो अच्छे लेंसेज के अंदर कंजूसी बिल्कुल मत करिए दोस्तों, वहाँ पर आप पैसा ज़रूर डालिए। अब बात करता हूँ एक और गियर की जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैमरा। तो अब कैमरा दोस्तों बहुत सारे आते हैं बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास में एक 24 मेगापिक्सल से लेके कुछ 35-36 मेगापिक्सल तक का कैमरा है तो दैट इज़ फेयर इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर काम उस पर हो जाते हैं क्योंकि कई बार आपको पिक्चर्स को क्रॉप करना पड़ता है तो थोड़े से ज़्यादा मेगापिक्सल हैं तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, या कई बार जो है आपको ऐसी फोटोग्राफी करनी होती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, अंगूठी का पिक्चर ले रहे हैं, छोटे छोटे रिंग्स का ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है अगर आपके पास में ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा तो आप अगर उसे क्रॉप भी करेंगे तो आपके इमेज क्वालिटी पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैमरा आप ऐसा लीजिए अपने वर्क फ्लो के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको ये नहीं कि ज़्यादा मेगापिक्सल का लेना है बट 24 मेगापिक्सल्स तो होना ही चाहिए। तो ये कुछ पांच गियर्स हैं दोस्तों जो आपको इमीडिएट आपको जिसमें पैसा डालना चाहिए और आप देखेंगे कि आपके फोटोग्राफी के अंदर आपके जो वर्क फ्लो है उसमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अब देखिए क्या होता है, एज अ फोटोग्राफर सबके पास में दोस्तों स्टूडियोज नहीं होते हैं, सबके पास में बहुत एक्सपेंसिव गियर्स नहीं होते हैं, सबके पास में बहुत ही एक्सपेंसिव लाइटिंग गियर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए उसके बाद आप थोड़े अलग अलग चीज़ों में पैसा डालिए। बट कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों
यहाँ पर आपको स्टूडियो ना होते भी अगर आपके पास में गियर है तो पूरी एक तरह से आपका एक स्टूडियो बन जाता है, आप कहीं पर भी जाके आप किसी भी तरह का शूट कर पाएंगे। सो मेरी जो है एडवाइस वो तो यही रहेगी कि आप इन 5-6 गियर्स पे ध्यान दीजिए एंड टेक योर फोटोग्राफी और नेक्स्ट लेवल। उम्मीद है आज के टिप्स, आज की गाइडेंस आपको थोड़ी ठीक लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।